लॉन्गिट्यूड में ईस्ट में ये कवर होता है। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर को कवर करता है, यानी कि ये ग्लोब के ऑलमोस्ट एरिया को अपने साथ कवर करता है। फिर उन्होंने कहा कि ये कॉन्टिनेंट जो है सेपरेट होता है यूरोप की साइड से मेडिटेरियन सी से और एशिया की साइड से रेड सी से, यानी कि अगर आपका जो एशिया का जो कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका को अलग करता है किससे, आपका रेड सी से, और आपका जो अफ्रीका है यूरोप से अलग होता है मेडिटेरियन सी के कारण, ठीक है। उन्होंने कहा है अफ्रीका जो है यूरेशिया को, जो कि अपने लास्ट एशिया में पढ़ा था कि जो थोड़ा सा एशिया का पार्ट और थोड़ा सा यूरोप का एक पार्ट है जो कि वहां पर होता है, वो जो है उन्होंने कहा है अफ्रीका जो है टच करता है यूरेशिया को तीन जगहों से। सबसे पहला उन्होंने कहा है स्ट्रेट गैब्रिलेटर जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, फिर सूज कैनल जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट में है, और फिर उन्होंने कहा है स्ट्रेट ऑफ बाब एल महलदेव जो कि ईस्ट में, ठीक है। उन्होंने कहा है पॉलिटिकल मैप जो है अफ्रीका के उसमें बहुत टाइम से जो है बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। उन्होंने कहा है पूरा अफ्रीका जो है प्लेट्यू की तरह नजर आता है जो कि विच इज साउथ की तरफ जो कि सबसे ज्यादा है। अब जैसे कि हमने एशिया में पढ़ा था एशिया की हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट है, उसी तरीके से अफ्रीका की हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट किलिमंजारो, ठीक है, जो कि इक्वेटर के पास है। वन ऑफ द स्पेशल फीचर अफ्रीका की जो स्पेशलिटी है यानी कि जो